हिमाचल की खबरों का रुख कर लेते हैं। सरकार की तरफ से नेशनल हाईवेज का तोहफा मिलने पर हिमाचल प्रदेश के लोग इतने खुश हैं कि उन्होंने धन्यवाद करने के लिए एक नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से बिलासपुर जिले को नेशनल हाईवे की सौगात मिली तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिले के लोग इस कदर खुश थे कि उन्होंने एक नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सम्मानित कर आभार जताया। धूमल ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार सड़कों की हालत सुधारने में नाकाम रही तो सड़कों की हालत केंद्र की मदद से सुधारी जाएगी। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 56 नेशनल हाईवे एक बार में दिए गए, अनेकों टनल्स, पुल, फोर लेन और डबल लेन का घोषणा की गई है जिसमें लगभग 60,000 करोड़ खर्च होगा। वही पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शिक्षक संघ के प्रधान वीरेंद्र चौहान की तरफ से लगाए गए आरोपों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वीरेंद्र चौहान का आरोप है कि प्रदेश सरकार उन्हें इतने दूसरे काम दे देती है कि उनके पास पढ़ाने का वक्त ही नहीं रहता। सरकार को उनके ऊपर विचार करना चाहिए और उन्हें अनावश्यक तौर पर तंग नहीं करना चाहिए। पढ़ाई का हर्ज भी ना हो और अन्य सेवाएं भी चले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वही रविवार को उरी में हुए आतंकी हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि यह हमला दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी। बहुत दर्दनाक भी है, शर्मनाक भी है। बहुत बड़ा असफलता है। अगर सूचना पहले थी तो उसके तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जवानों की जो इनकार में जाने गई है, बहुत ही सुखी घटना है। केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 56 नेशनल हाईवेज की सौगात दी है। साथ ही सरकार ने इन हाईवेज को सुरंग और पुल बनाकर फोर लेन से जोड़ने का भी ऐलान किया है, जिसे लेकर आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उरी हमले को लेकर हुई लापरवाही की भी आलोचना की। विजय भारद्वाज, जी मीडिया, बिलासपुर।